रोहतक पहुंचे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये साफ कर दिया है कि एनडीए के खिलाफ जो इंडिया नाम से गठबंधन बना है वे लोकसभा चुनाव के लिए है और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी अपने आप चुनाव लड़ने में सक्षम है, बाकी बची पार्टियां अपना गठबंधन कर ले। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने निवास स्थान पर एक प्रेस वार्ता में बोल रहे थे। यही नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बाढ़ की स्थिति को लेकर सरकार की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए और बाढ़ के दौरान मारे गए नागरिकों के परिवारों को 20 लाख आर्थिक सहायता देने की मांग की। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश में हुए बाढ़ के हालातों के लिए हरियाणा सरकार को जिम्मेदार बताते हुए कहा कि जनवरी में बाढ़ नियंत्रण को लेकर बैठक में जो बड़ी बड़ी बातें हरियाणा सरकार ने की थी वे धरातल पर कुछ भी नहीं है। जिन अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी थी कि ड्रेन की सफाई करवाने के बाद उसका निरीक्षण करें, वे किसी भी अधिकारी ने नहीं किया, जिसकी वजह से इस तरह के हालात बने। यमुना को लेकर भी हरियाणा सरकार की कोई तैयारी नहीं थी और समय रहते कोई भी काम बाढ़ नियंत्रण को लेकर नहीं किया गया और जो अवैध खनन हुआ था उसकी वजह से किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। रोहतक से हमारे संवाददाता विकास ओहल्याण की रिपोर्ट। तक पानी था, खाली चौक चौक पे नहीं, घरों तक पानी घुसा हुआ और वहां से मकड़ौली, धामड़, बसंतपुर, ब्राह्मणवास, जसिया, गिलौड़, खेड़ा, तानी, रिठाल, पुलोई, कुर्की, पुणंगी, मुहान, आसन तो यहाँ पे आया था। सारे गांव में, खेतों में जो है कहीं 3 फुट पानी है, कई जगह 5 फुट भी है, कई जगह 6 फुट भी पानी है। और जो है कई घरों में, कई गांव में घरों में भी घुसा हुआ था और वहां के उनके मकान भी गिरने की शिकायत में आज भी टेलीफोन आया है, भी हमारे गरीब आदमी मकान गिर गए। और आज जो ये ड्रेन नंबर 8 पेट्रोली के बीच में जो पेट्रोली ब्रीच हुई है और उसके पूरा जीन रोड है गाँव में पानी जा रहा है, पेट्रोली में, चिड़ी में पानी घुस रहा है। सरकार की तरफ से जो प्रबंध होना चाहिए था, जो समय पर कदम उठाने चाहिए थे वो नहीं उठाए। ये ठीक है, हैवी रेन हुआ, पानी ज्यादा आया, आपदा है, लेकिन अगर समय पर कदम उठाते, सब ड्रेनों की सफाई करते, जो ड्रेनों के किनारे मजबूत करते, उनकी सफाई करते, जो आपके बंद बने हुए हैं, यमुना का है, यमुना में ठोकरें मनाई जाती है, ठोकरें मनाते और इलीगल माइनिंग रोक पाते तो शायद इतना नुकसान नहीं होता। सरकार की तरफ से कोई तैयारी पहले से नहीं। आमतौर पर ऐसा होता है जबकि मौसम विभाग ने पहले चेतावनी देनी दे दी थी कि आपको ज्यादा बारिश होगी हिमाचल में, तो उनको और ज्यादा सतर्क होना चाहिए। आमतौर पर ऐसा होता है ट्रेनों को जब ऐसा होता है, फ्लड कंट्रोल मीटिंग की, कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग होती है, जनवरी में की गई, लेकिन जो वहां बातें गई खराब करके कोई नजर नहीं आई। नहीं तो ये होता है ड्रेन की सफाई की इंस्पेक्शन होती है, एससी देखता है, चीफ इंजीनियर देखता है, डिप्टी कमिश्नर इंस्पेक्शन करके आता है। अब मतलब वहां जो घास पैदा होता है उसकी भी सफाई नहीं है, उसकी वजह से ड्रेन का भाव रुक जाता है और उसी की वजह से ड्रेन का जो है ब्रीच होता है। ये भारी उसमें नुकसान जो है हुआ है, तो नुकसान हो गया। अगर ये सतर्कता बरतते तो शायद नुकसान कम होता है। अब नुकसान है, इसकी जो है पूरी वो करनी चाहिए, इनको पूरा फ्लड रिलीफ में करना चाहिए। उसमें जैसे यहाँ खेतों में देखा, मैं 3-3 फुट 4-4 फुट पानी खड़ा है, वो तो फसल बर्बाद होगी, लेकिन आगे भी फसल की उम्मीद नहीं है। तो इस वास्ते मैंने कहा है 40,000 रुपया प्रति एकड़ कम से कम किसान को मुआवजा दिया जाए। जो गरीब आदमी है, मजदूर है,
उनकी मजदूरी गई तो 30 दिन का ये गैप है, इसमें मनरेगा की मजदूरी दी जाए ताकि उनका वो, और जो मकान का जिनका नुकसान हुआ है उनका मकान की तुरंत मदद की जाए, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर टूटा पड़ाई है सारा इसको भी दुरुस्त किया जाए, और जिसकी किसी की डेथ हुई है तो 4 लाख रुपए जो अनाउंस किया सरकार ने वो ना काफी है, कम से कम 20 लाख रुपया उनको देना चाहिए। और तुरंत अब ये करे कि पोर्टल पर आएगी किसान पोर्टल के खेत डूबे पड़े हैं, पोर्टल चलाना नहीं आता, हम 4-5 आदमी बैठे मेरे साथ, किसको पोर्टल चलाना आता है, तो वो किसान कहाँ से पोर्टल चलाएगा, तुरंत गिरदावरी करके और 48 घंटे एकदम रात दी जाती है, रात देना चाहिए, पोर्टल भी नहीं मिलेगा, पोर्टल के बहाने से एकदम मुआवजा डेफर किया जा रहा है। मैं बता रहा हूँ ड्रेन नंबर 8 ब्रीच हो गई पेट्रोली के पास, तुरंत जो है प्रशासन को रोकने के लिए वहाँ इंतजाम करना चाहिए, कट्टे भेजना चाहिए, वहाँ लगाना चाहिए, और इनके बस का नहीं तो आर्मी से बुला के मदद लें, किसी और से मदद लें। सर किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है और ऐसे में हरियाणा सरकार ने फसल बीमा योजना के लिए प्रीमियम बढ़ा दिया। ऐसा है आपको मालूम है, मेरे कल गान भी आया था, प्रीमियम जितना लिया है ये तो कंपनियों में मुनाफे के धंधा है, तो किसानों की मदद थोड़ी हो रही है, प्रीमियम जितना लिया है उसका कंपनसेशन तो केवल 8% किया है, अगर 200 करोड़ वो लिया है प्रीमियम गया है और 20 करोड़ कंपनसेशन दिया है, ये तो कितनी बार हो गया और पूरे देश में ऐसा हुआ। ये जो फसल बीमा योजना है इसी वास्ते तो हमारी कांग्रेस की मीटिंग हुई थी रायपुर में, जहाँ मेरे को अध्यक्ष बनाया गया, ये हमने फैसला करा था, वहाँ सारे प्रस्ताव पास किया था कि जो फसल बीमा होगी वो प्राइवेट कंपनी को दिया जाएगा, जैसे LIC है ना, नेक्स्ट लाइफ कंपनी को दिया जाएगा, राष्ट्रीय कंपनी को दिया जाएगा, गवर्नमेंट और उसका रोटेटरी फंड बनाया जाएगा ताकि वो लोगों को कंपनसेट कर सके, तो मुनाफाखोरी का काम है। फसल बीमा योजना से पहले भी तो मुआवजा दिया जाता है, हाँ बिल्कुल, मुनाफाखोरी बंद करके जो हम कह रहे हैं तो सरकार को भी करना चाहिए। बारिश का मौसम है, हर साल आता है, हर साल मतलब अगर तो बारिश कम हो गई तो काम चल जाता है, अगर बारिश ज्यादा हो गई तो हमेशा ऐसा ही होता है कि मतलब बाढ़ जैसे हालत बन जाती है, तो इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं की जाती कभी, ऐसा है हर साल ऐसा नहीं होता है, बारिश अगर कम आई तो बारिश ज्यादा भी आती है, हर साल नहीं होता, अगर पूरी सतर्कता रखी जाए, समय पे कदम उठाए जाए तो नुकसान कम होता है, बाकी आपदा है इसमें सबको फेस तो करना ही पड़ता है, उसके लिए तैयारी पूरी करनी चाहिए सरकार, पूरी बात दे देती है। सर फसल बीमा योजना, जब फसल बीमा योजना लागू नहीं थी किसानों को तो जब भी मुआवजा दिया जाता था, तो क्यों जरूरी है ये फसल बीमा योजना? अच्छी चीज पहले से है और पहले ये था ऑप्शनल थी, अभी एकदम मैं कह रहा हूँ प्रीमियम जो है वो काटते बैंक से काटते हैं तो ठीक नहीं है। दिख रही है आपको, दिख रही है कि विपक्ष की निभा कौन निभा रहा है, राज्यसभा का इलेक्शन हो कौन किसको वोट दे रहा है, राष्ट्रपति का इलेक्शन हो कौन किसको वोट दे रहा है, सबको मालूम है कौन निभा रहा है। अभी बार तो NDA ने भी इनविटेशन नहीं दिया है, कुछ है ही नहीं तो मामला में क्या देंगे, 2024 में लोग मन बना चुके हैं, 36 मन बना चुके हैं कि 2024 में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि ये जो बीजेपी जेजेपी सरकार है ये बिल्कुल विफल सरकार है, 2014 में जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आए प्रति व्यक्ति निवेश में रोजगार देने में कानून व्यवस्था में पूरे देश में नंबर एक का प्रदेश था, आज बेरोजगारी में नंबर एक है, महंगाई में नंबर एक है, और इसमें कानून व्यवस्था की तो आपको। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।